उनसे कुछ ना कुछ बोझ तो हल्का किया जाए, क्योंकि अभी फीसिस आप मुझे ये बताएं कि हमारे वालदैन कारोबार करके फीसें अदा करते थे, जब कारोबार नहीं है तो फीसें कैसे अदा करेंगे, इसका इलम तो आपको होना चाहिए। तो ये सारी वबा पूरी दुनिया के अंदर है, तो वहाँ आप जो मगरिब की हमें मिसालें देते थे, तो आज तमाम मगरिब के अंदर ये जितनी मुश्किलें हैं गवर्नमेंट ने अपने सर पर लेकर लोगों को पैकेजेस दिए हैं। लिहाजा आपसे भी हमारा मुतालबा है कि आप फीसिस में जो है ना माफ़ी का ऐलान करें, और इसके साथ साथ आइंदा SOPs के तहत तालीमी इदारे कम अज़ कम ना बंद किए जाएँ। आप एक महीने के अंदर मीडिया ट्रायल करते हैं, इंडिया के अंदर मीडिया ट्रायल करवाता है वो मोदी सरकार करवाता है, उसके अपने हालात ये हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को चला नहीं पाता। मीडिया ट्रायल करके पुरानी तस्वीर दिखाकर आप ये माहौल बनाते हैं कि यहाँ कोरोना की वबा फैल चुकी है, और आप साथ ही साथ तालीमी इदारे सबसे पहले आप बंद करते हैं, और उसके बाद हुकूमत की कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें 50 क्या 150 क्या 500 की गैदरिंग हमें मौजूद नज़र आती है, वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में नज़र आती है, सिर्फ आपको तालीमी इदारे नज़र आते हैं। आज के ये हाउस मुतालबा करता है कि आइंदा अगर कोरोना की वबा आती भी है तो खुदा रहा आप तालीमी इदारों को SOPs के तहत खोलने के पाबंद हैं, और हमारा ये आपसे मुतालबा है। इसके साथ साथ अभी जो मसला है वो हमारा, मैं ये मेरा अपना मशवरा MSO पाकिस्तान की तरफ से है कि फ़लस्तीन के उनवान के ऊपर आपने देखा कि ये क्या किया गया, इसके ऊपर हुकूमत का जो वज़ीर ख़ारजा ने जो काम किया इंतहाई काबिल तकलीद और काबिल तारीफ है। उसके साथ साथ तलबा तंजीमों की तरफ से किबला अव्वल बैतुल मक़दस जो हमारा ईमान का हिस्सा है, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये ले के दिया था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं। हमारा ये वज़ीर तालीम से ये भरपूर मुतालबा है कि बैतुल मक़दस को तालीमी निसाब में शामिल किया जाए, ताकि मेरी आने वाली नस्ल को ये पता हो कि बैतुल मक़दस के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है, यहूदियों के साथ मेरा क्या इख्तलाफ है। ये एक मस्जिद नहीं है, ये वो जगह है जहाँ खातमुल अंबिया ने तमाम अंबिया को इमामत करवाई थी, ये वो किबला है जिसकी हवाओं को देखकर अल्लाह के नबी खुश होते थे, ये वो सरजमीन है जो हज़रत उमर को उस वक्त दी गई थी जब हज़रत उमर अपने गुलाम को सवारी पर बिठाकर और आपके बाएं हाथ में आपकी फटी हुई चप्पल थी और यहूदी आपको चाबी दे रहे थे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं अपनी आने वाली नस्ल को पढ़ाना चाहता हूँ, लिहाजा वज़ीर जो तालीम है वो किबला अव्वल बैतुल मक़दस को जो है वो निसाब में शामिल किया जाए। इसके साथ साथ जो है वो तलबा यूनियन बहाली, मैंने ये लिखा भी हुआ था उस्मान भाई ने फिर कि तलबा यूनियन बहाली, मोहसिन भाई आपने बात की, हमने एहतजाज भी किया, हमारे पे FIRें भी कटी, ये इस्लामाबाद गवाह है कि तमाम तलबा तंजीमें इस्लामी जमीयत समेत ATI PSF MSF हमने भरपूर एहतजाज किया, और भरपूर एहतजाज करने के बाद हमें यकीन दहानी करवाई गई कि हम तलबा यूनियन को बहाल करेंगे। बाद में अगले दिन एक्सप्रेस अखबार से पता चला है कि आपके ऊपर FIR होगी। अब आप बताएं कि हम किस जगह पर जाएँ, यहाँ पर ताजर अपना केस लड़ता है, ताजर की यूनियन बहाल है, रक्षा एक का चलान गलत कट जाए तो वो अगले दिन चौक में उसका सदर खड़ा होता है कि इस रक्षे के जो चलान किया ये क्यों किया है, लेकिन एक वाहिद तलबा यूनियन जो है उसके ऊपर जो पाबंदी है, तुम जनरल ज़ियाउल हक़ के बाकी कानूनों को कालेदम करते हो और एक या कानून बहाल किया हुआ है, और हमेशा ये मिसालें देते हैं कि वो डिक्टेटर था, तो उसकी एक ये मिसाल भी दो ना कि रमज़ान के महीने के अंदर उससे ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई होटल नहीं खुलेगा, वो नमाज की पाबंदी करता था, जहाँ पे खड़ा होता था वहाँ जमात के साथ नमाज खड़ी करता था। आज तैयब उर्दगान की तलावत तो सुनाते हो तो ज़ियाउल्लाह की तलावत नहीं सुना सकते। तो जब आप ये कहते हो कि उसकी सारी चीज़ें गलत हैं, तो ये तलबा यूनियन की जो बहाली है इसके ऊपर पाबंदी भी ज़ियाउल्लाह ने लगाई थी, तो लिहाजा फिलफौर ख़त्म क्यों नहीं करते आप लोग। तो हमारा ये मुतालबा है कि तलबा यूनियन बहाल की जाए, ताकि तलबा के ये जो लीडर हैं, ये जो मसाइल हैं, ये भी मेरे दोस्त ने बयान किए, हकीकत यह है कि HSC के सामने भी इन्होंने एहतजाज किए, शहबाज भाई ने भी किए, उसके बाद भी हमारे ऊपर FIR कटी गई और हमें थानों में लेके गए, वीडियोस बनाई गई, बाल काटे गए तलबा यूनियन के जिम्मेदारों के कि आपने ये काम क्यों किया, आप तलबा को रोड पे क्यों लेके आते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे कि एक यूनियन पे पाबंदी लगाएंगे तो जिसको जो काम होगा वो करेगा, लिहाजा ये जो फोरम है ये आपसे तलबा यूनियन बहाली का भरपूर मुतालबा करता है। और इसके बाद जो मंशियात पे जो तालीमी इदारे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। आज तालीमी इदारों के अंदर जो मंशियात फ़रोग दी जा रही है, खुदारा जब आपका एक SHO एक सिपाही
मस्जिदों के अंदर पाबंदी लगा सकता है, अजान स्पीकरों में नहीं दी गई, आपने बड़े बड़े मदारस को बंद किया, आपने राजा बाजार जैसा बाजार बंद कर दिया, आपने मरी रोड बंद करवा दिया, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए वो कौन सी चीज़ है जो आप तालीमी इदारों के अंदर मंशियात का फ़रोग देते हैं, मंशियात को बेचते हैं और उसको लाते हैं, उसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते और उनको आप पकड़ नहीं सकते। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इसमें आपका फ़ायदा है, तब आप इन तालीमी इदारों के अंदर ये मंशियात को फ़रोग देते हैं ताकि तालिबे इल्म मंशियात पर लगे ना, ये अपने तालीमी निज़ाम पर बात करे ना, ये अपने निसाब तालीम पर बात करे ना, अपने हुकूक के लिए ये नौजवानों को निकाले। लिहाजा मंशियात पर पाबंदी लगाई जाए और आज का ये फोरम इंशाअल्लाह ताला ISF की क्यादत में, ये आखिरी क्योंकि दो दिन रह गए हमारे पास ना इत्तेजाज की वो चीज़ है, हम प्रॉपर तरीके से इंशाअल्लाह ताला वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तालीम तक जो है ना पहुँचने की कोशिश करेंगे और ये ज़िम्मेदारी ISF की होगी इंशाअल्लाह ताला और ये यूथ की होगी कि वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब से इस बजट से पहले वो हम पूरी उनको ये आप अपनी फाइल पेश करेंगे कि आप किस अंदाज से तालीमी बजट को बढ़ाएं इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए हम एक एक ज़िम्मेदार को लेंगे अभी इंशाअल्लाह, इसके बाद हम बैठेंगे और बैठने के बाद पूरे वफ़ की सूरत में इंशाअल्लाह हम जो वफाकी वज़ीर तालीम है उससे मुलाकात करके हम ये बजट के हवाले से जो तलबा की इसके हवाले से है तो मदारस, क्योंकि इस पर खुज़ैमा समी लाके ने बड़ी तफसील बात की है, क्योंकि मदारस में आपको पता है कि बहुत सारे तलबा पढ़ते हैं, उनका निज़ाम तालीम ऐसा है जिसको काबिल तकलीद समझा जाता है और बाहर ममालिक से पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि वो जैसे कर रहे हैं उनको करने दें, ना आपसे वो इमदाद मांगते हैं ना आपसे तआवुन मांगते हैं। वो 35 से 40 लाख तलबा को अगर वो तालीम सिर्फ वफाकुल मदारस दे रहा है तो खुदारा जो काम कर रहा है उसको करने दें। वो कौमी दायरे में ही हैं, वो पहले दिन से कौमी दायरे में हैं, वो ना कौम से बाहर हैं, आपके साथ वो मुंसलिक हैं और उनका निसाब, उनका जो तर्ज तालीम है वो बाहर ममालिक में पढ़ाया जाता है। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपने हमेशा आवाज़ हक बुलंद की और हमने बिलखसूस मीडिया के लिए तलबा यूनियन ने हमेशा अपना किरदार किया बुलंद की, लिहाजा आप तलबा की आवाज़ को ये इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँ, उसका जो मशवरा है वो भी सामने रखे। उससे कबल मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान का क्याम को 1 साल हो चुका है जो मरी की सरजमीन पर इसका वजूद आया था, जिसमें तमाम तलबा तंजीमें बैठी थी। उसके बाद इन में पाकिस्तान की तरफ से या उम्मत मुस्लिमा की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम तलबा महाज ने अदा किया कि हमारे ऊपर 600 से जायद शैल मारे गए, हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमने रात 1 बजे तक हम अपारा चौक के अंदर बैठे रहे और हमने बैठ के ये कहा कि फ्रांस में जो गुस्ताखी हुई वो सरकारी सतह पे हुई है, लिहाजा सरकार सरकारी सतह पे इसका जवाब देगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसी धरने के अंदर नूरुल्लाह कादरी साहब जो वफाकी मजहबी उमूर है वो तशरीफ लाए, उनके साथ हमारी बात हुई। उसके बाद वजीर खारजा के साथ हमारी उनके फॉरेन ऑफिस के अंदर मुलाकात हुई और जो बातें हुई अल्हम्दुलिल्लाह हमने तलबा का जो मुकदमा था नामूस रसालत का वो हुकूमत तक पहुँचाया। इससे कबल गाजी फैसल का मामला आया, जो उसने काम किया उसके ऊपर हमने उनको भरपूर खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद आपका तालीम के मसाइल आए, HEC के सामने धरने का मसला आया, फिर आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर हमारे एहतजाज मुस्लिम तलबा महाज ने अपनी वसात के मुताबिक तलबा का केस लड़के हमें ये कहा गया कि आप अपने मुतलका लोगों के नाम दें, आप 150 लड़का देते हैं 200 लड़का देते हैं, हम इनको पास करेंगे जो आप कहेंगे। लेकिन खुदा गवाह है ये शहबाज भाई बिलाल भाई ये उस मीटिंग में मौजूद थे, हमने कहा कि नाम किसी जमात के नुमाइंदा है, हम तमाम तलबा के नुमाइंदा हैं, बंद कमरों के अंदर हमने कभी भी जमातों को तंजीमों को बिकते देखा है, कभी फैसले करते नहीं देखा। हम फैसला करेंगे तो आपके टेबल पे करेंगे, तलबा के सामने करेंगे। तो हमने उन 150 के अपने जो तलबा थे हमने ना उनका नाम दिया, हमने पूरी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का कहा कि आप करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पहला मुआहदा था जिसमें हम कामयाब हुए और जो ऑनलाइन मसाइल थे उसका जो हल के लिए हमने किया। 8 मार्च को जो इस्लामाबाद लाहौर कराची के अंदर एक पाकिस्तान को नापाक करने की कोशिश की गई, बाहर NGOs पर आके ऐसी औरतों को लाया गया कि पाकिस्तान की शनाख्त को जो है मजरू किया गया, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 तारीख को 12 मार्च को हमने 8 घंटे धरना देकर जो जो इंतज़ामिया है इसके साथ हमने मुआहदा किया
कि आइंदा आप 8 मार्च को इन औरतों के नाम के ऊपर जो ड्रामेबाजी होती है इनके ऊपर आप पाबंदी लगाएंगे। हमारे पास आज भी वो लेटर मौजूद है जो इंतजामिया ने हमारे साथ किया था मुआयदा कि आइंदा 8 मार्च औरत डे के ऊपर ये जो बेगैरती और ये जो बेहयाई होती है ये इंशाल्लाह नहीं होगी। उसके ऊपर भी हमारी गाड़ियां हमारे दोस्तों को थाने में लेके गए 8 घंटे के तवील धरने के बाद, जिसके बाद हमारे ऊपर FIR भी काटी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क को कलमे की बुनियाद पर हासिल हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए जदोजहद मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान ने की और इसके बाद तलबा यूनियन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा तंजीमों के साथ खड़े हुए और हमने इस्लामाबाद के अंदर मजबूत आल पार्टीज करके ये हुकूमत वक्त को बताया है कि तलबा यूनियन आपको बहाल करनी पड़ेगी। तलबा यूनियन बहाली के बगैर इसका गुजारा नहीं है। और जब आप ये मसाइल समझते हैं कि ये कैसे हल होंगे, तो इसका वाहिद हल ये है कि वह तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। और आप तमाम अहबाब का मैं मशकूर हूँ कि आप दोस्तों ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए आज, क्योंकि ये मीडिया चैनल आखिर पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनसे सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि आज की जो आल पार्टीज़ है इसका सबसे जो पहला एजेंडा था वो ये था कि जो हमारा तालीमी बजट है उसको बढ़ाया जाए। मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब से, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से ये मुतालबा करती है कि 6% बढ़ाया जाए और तालीमी बजट को ऐसा लाया जाए जो तालीम दोस्त हो, जो तलबा के हुकूक का अलमबरदार हो और उसके साथ साथ तलबा यूनियन की बहाली का और उसके साथ साथ यकसा निज़ाम तालीम व निसाब तालीम का मुतालबा किया और आइंदा SOPs के तहत तालीमी इदारे खोले जाएँ और तालीमी इदारे बंद करने का जो रुझान है इसको ख़त्म किया जाए और मंशियात के ऊपर तालीमी इदारों के अंदर पाबंदी लगा जाए। क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस को निसाब में शामिल किया जाए और जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने अभी अभी जो वज़ीर किसको ये जो ब्रीफिंग है ना वो भी दे दें। अच्छा अपना अभी जो किसी दोस्त से बात करनी है इंशाल्लाह वो करवाते हैं। आपने वो ये कह रहे हैं कि हमने, क्योंकि आपने जो हमें टाइम दिया था उसमें वो आए, तो अभी वो ये कह रहे हैं कि दोबारा जो आपका इलामिया है तो ये शिक मैं उनको पेश कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर आप दोस्त भी बात कर लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें एक तो ये है कि आज की जो आल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका इलामिया आपको बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मैं बयान करता हूँ कि हमारा जो मुतालबा वो ये है कि तालीमी बजट को 6% किया जाए। जिस महंगाई के अंदर तालीम हासिल की जा रही है वो इंतहाई मुश्किल है और इसके अंदर आज का जो हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि 6% किया जाए। दूसरा हमारा जो मुतालबा वो ये है कि जो तबकाती निज़ाम है इसका खात्मा किया जाए, यकसा निज़ाम तालीम व निसाब तालीम को लाया जाए। तीसरा हमारा जो मुतालबा वो ये है कि कम अज़ कम फिलफोर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिब हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 1 सेमेस्टर की जो फ़ीस की माफ़ी का ऐलान वो बजट से पहले किया जाए, जो तालीमी दोस्त हैं जो इनकी मुश्किलात हैं वो हल की जाएँ। और चौथा जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि तलबा यूनियन को फिलफोर बहाल किया जाए। और पांचवा जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस को तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। और पांचवा जो हमारा मुतालबा वो ये है कि जो मदारस इस वक्त चल रहे हैं जिसकी मिसाल दी जाती है उसके तालीमी निज़ाम को मत छेड़ा जाए बल्कि उनको प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से लोग आकर तालीम हासिल करें। और जो हमारा आखिरी मुतालबा वो ये है कि मंशियात के ऊपर तालीमी इदारों के अंदर पाबंदी लगाई जाए। और अभी जो जिना यूनिवर्सिटी का मामला है जो इंतज़ामिया अभी FIR तक काटने के ऊपर आई है, तो हम ये समझते हैं कि तलबा के ऊपर FIR काट कर इसका आपको नुकसान होगा। ये आपकी करीम है, इसकी हिफाजत, इसका इखलाक, ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा नौजवान किरदार अदा करते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि जो इस वक्त तलबा के साथ मसाइल हैं उसका खात्मा किया जाए और इंशाअल्लाह ताला हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाम तलबा तंजीमें, यूथ तंजीमें मिलकर
मुस्लिम तलबा महाज के प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे और तलबा की यूनियन की बहाली के लिए, तलबा मसाइल के लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपना किरदार अदा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये लाठियां थाकर जिंदा है, ये जेलें जाकर जिंदा है, जिंदा है तलबा जिंदा है, जिंदा है तलबा जिंदा है, ये जेलें जाकर जिंदा है, ये लाठियां खाकर जिंदा है, डिक्टेटर से लड़कर जिंदा है, जिंदा है तलबा जिंदा है, जिंदा है तलबा जिंदा है। सवाल है सवाल है, ये बताइए उस्मान भाई, मुतालबा आपका काफी लेट नहीं हो गया, बजट तो अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं, अब तो पेश होने वाले। बिल्कुल, इसमें ताखीर ज़रूर हुई है और उससे कबल जो हमारे मसाइल हैं वो आपको पता है कि अभी ये हमारे दोस्त तशरीफ लाए, अभी हमारे ऊपर चंद घंटे पहले FIR हुई में हमारे पास वक्त ही इतना कलील था कि अभी चंद दिन कबल हमारी ऑल पार्टीज़ हुई, तो अभी फिलफौर 3 दिन का टाइम था, जिसके ऊपर ये है कि इंशाल्लाह जो हमारी हुक्मरान जमात की तंजीम ISF हमारी उनसे बात हुई है, तो इंशाल्लाह हम वज़ीर तालीम से मिलकर अपनी गुजारिशात ज़रूर अदा करेंगे। और अगर नहीं इंक्रीमेंट नहीं होती तो उसके बाद का क्या लाशा है? उसके बाद देखिए जी, वही बात आती है कि जब आपको हक नहीं मिलता है तो हक लेने के लिए आपको हक छीनना भी पड़ता है, तो उसमें हमारी सूरत हाल फिर एहतजाज की है, ये कायदीन बैठे हैं, ये फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। ये ठीक इसमें इसमें एक तो अव्वल बात ये है कि देखा यह जाएगा कि आपके मौकफ पहला बयान कर दें, जवाब देंगे वहां पे दें ताकि कैमरे ठीक से इधर 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 अमर अमर जी जी एक्सक्यूज में सवाल कीजिए जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो तलबात थी ये इनकी तादाद इतनी नहीं होनी थी क्योंकि जो फर्स्ट प्रोटेस्ट था वो इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन के जहन के मुताबिक हुआ था, 50-100 बच्ची आई थी, आज 500-600 बच्ची निकल आई अपने मुतालबात लेके, इंतज़ामिया की ये नाअहली वाजे हो गई कि उन्होंने पहले जो है तलबात को लॉलीपॉप दिया और उससे पहले नाइंसाफ़ी उनके साथ क्या हुई है। मैं नाइंसाफ़ी क्लियर करता चलूँ, आपको पता है गवर्नमेंट ने कोविड की सिचुएशन में आके ये कहा था कि 2 मंथ के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए, ऐसा है? आप तमाम तालिबे इल्म भी बैठे हैं, आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में गए, फातिमा जिना वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं ओपन की गई, जब वो ओपन नहीं की गई तो तलबा की तैयारी ऑनलाइन से हुई और ऑनलाइन में यूट्यूब का गूगल का लिंक शेयर कर दिया जाता है, इससे असेसमेंट दें, इससे असाइनमेंट दें, तो फिज़िकल पेपर मुश्किल होता है। और जो बात की जाती है बाहर से तलबा खरीद के लाने की, मैं बेट करता हूँ CPO साहब के साथ कि जितनी तलबात थी मैं आपको उनके कार्ड्स दे देता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल यार, मतलब क्या हो रहा है? 2 घंटे उन्होंने उन्हें अंदर बिठा के रखा है, किस लिए बिठा के रखा है? अगर यूनिवर्सिटी के नहीं थे, कराए के थे तो पर्चा देते, थाने में भेजते, मैं जाता बेल कराने, कैसी बात कर रहे हो? 2 घंटे उनको अंदर रखा गया, 2 घंटे मुजाकरात चलते रहे, अजीब बात कर रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटी के नहीं थे तो उनको सबसे पहले उन बच्चों पे वो करना चाहिए था। आप तलबात की इज्जत नफ्ज की तजहीक नहीं कर सकते, किसी सूरत तलबाए पाकिस्तान आपको ये नहीं करने देंगे। शर्म का मुकाम है इंतजामिया के लिए कि इतनी घटिया चालें चल रहे हैं। जनाब को मेरी बहनें थी, उनके खिलाफ गलत बात इंतजामिया की नहीं बर्दाश्त होगी, एहतजाज हमारा आईनी बुनियादी पैदाइशी है। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपको गलत गाइड किया हूँ, पाकिस्तान की जितनी भी हमारी तलबा तंजीमें थी, बिलखसूस है जो तलबा के मसाइल हैं, आप हमेशा सदका जारिया का काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे कि हमारा ये पैगाम हुकूमत वक्त तक पहुँचाने में आप अपना किरदार अदा करेंगे। सारे खड़ा चल गया, शुक्रिया जी सर।
सर से है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है बजट में इस जो हमारा ये मुतालबा है कि 6% किया जाए, ये तलबा का दरीना मुतालबा है। और दूसरा जो कोविड के दौरान हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं तो उसमें बिलखसूस पाकिस्तान का तालब इलम उसकी जद में आया है और वह नाकाम पॉलिसियाँ हैं, उस पॉलिसियों पर हमें शदीद तरीन तहफ़ुज़ात हैं। और आज पाकिस्तान का जो तालब इलम है परेशान है, घर में बैठी हुई हमारी बहनें परेशान हैं और वो उनकी परेशानी का ये आलम है कि आज वो देख रहे हैं कि अभी तक उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे इम्तिहानात किस पैटर्न के तहत लिए जाएंगे, फिज़िकल होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे। तो ये हुकूमत की सरासर नाहली है और हुकूमत को समझना चाहिए और उन्हें ये तो जो पाकिस्तान तुलबा हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबल हैं, उन्हें इसकी इनके मुस्तकबल का ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया। नहीं माशाल्लाह, ये साफियों का यही कमाल होता है कि वो माशाल्लाह हमारी आवाज़ बन गई।